Once again, a very good morning to all my dear students. I am back with another lesson of spoken English plus your improving your reading skills and listening skills and speaking skills. I hope you people have been doing well. I'm sorry that I'm making this video after a long time. I was little busy with certain my course. So I could not make the videos. I'm sorry for that, but I will try to be regular, and let's continue. So without wasting any time, let's start our video with the story. That means the reading skill. I'll be reading the paragraph and you have to repeat and after me, or you have to read that paragraph after you see the video. Okay, चलिए तो हम आज जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सीइंग अपॉर्चुनिटी इन ऑब्स्टेकल। मैं एक बार पहले इसको रीड करूंगी और उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। वंस देयर वाज अ किंग हु वाज क्यूरियस बट वेल्दी। ही डिसाइडेड टू टेस्ट हिज फेलो पीपल टू नो हु हैज गॉट अ गुड एटीट्यूड इन लाइफ एंड हु वुड स्पेयर सम टाइम फॉर कंट्रीज प्रोग्रेस। He placed a huge boulder right at the middle of the road and hid in a nearby place to see if anyone would make an attempt to move it off. He saw some wealthy merchants and courtiers passing by the road. None of them made any effort, any attempt to move it off, but simply walked away, while some others blamed the king for not maintaining the roads. Later, a peasant came the way with a load of vegetables and saw the boulder. He kept his load down and tried to move the boulder away. After strenuous effort, he succeeded in moving it away. He saw a purse lying in the place of the boulder. It contained many gold coins and a note from the king, which read, "This is the reward for the person who moves the boulder away." And what is the moral of the story? It is quite common for people to run away from problems and obstacles, but the story clearly shows the importance of seeing the opportunity in every obstacle, which might improve our condition. Invest some time to remove obstacles of your way and experience many unseen presences. So this was the story. And what does the story say? ये स्टोरी ने क्या कहा? एक बार आप इस स्टोरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कैसे पढ़ने की कोशिश करेंगे? अच्छा, पढ़ने के पहले सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो जब आप इसे सुनेंगे तो आप वीडियो नहीं देखना, सिर्फ ऑडियो ऑन करना और उसके बाद इसको सुनने की कोशिश करना और देखना कि आपको कितना समझ में आता है। उसके बाद फिर आप इसे देख करके पढ़ना और आप देखेंगे कि पहले आपको कुछ परसेंट समझ में आएगा और उसके बाद जब आप रीड करेंगे तो आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी, आपको बहुत सारे नए वर्ड्स पता चलेंगे जिनको आप आगे चल करके अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको और ज़्यादा समझ में आने लगेगा, ठीक है? तो हम एक बार स्टोरी को आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। डियर चिल्ड्रन, सीइंग अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्स्टिकल्स, जो भी हमारे रास्ते में मुसीबत आती है, परेशानी आती है, वो जरूर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ ना कुछ मौके हमारे लिए लेकर के आती है। तो हमें उन मुसीबतों से, उन ऑब्स्टिकल्स से, उन परेशानियों से, उन बाधाओं से डरना नहीं है और उनका मजबूती से सामना करना है। और आप देखेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसके पीछे, उन मुसीबतों को जब आप झेल करके बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब आप इंग्लिश बोलने के लिए, आप, मैं बार बार कहती हूँ कि आपने जो रुकावट, जो बाधाएं अपने दिमाग में बना के रखी हैं उनको हटा दीजिए। उनको हटाने से क्या होगा? उनको हटाने से आप जो हैं एक दिन ऐसा आएगा जब आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे और देखेंगे कि अरे मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, ये कैसे हुआ, ये आपको पता नहीं चलेगा।
तो आपने जो अपने दिमाग में जो बाधाएं बना के रखी हैं, उन बाधाओं को आप हटा दीजिए और आप बस शुरू हो जाइए, अपने काम पे लग जाइए। जो काम क्या है यहाँ पे, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करना, लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना, रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना एंड देन स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे इस कहानी में क्या हुआ कि एक राजा था, उसने क्या किया था, एक बड़ा सा पत्थर जो है वो उसने रास्ते में रख दिया था और वो देखना चाहता था, वहाँ चुप करके वो देख रहा था कि कौन इस पत्थर को हटाता है रास्ते से। ज्यादातर हम लोगों की आदत होती है कि हम सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये सिस्टम का काम है, तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बट हम में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि नहीं, ये मेरा काम है, मैं भी इसे कर सकता हूँ, मुझे किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही हमने देखा कि एक किसान आया, उसके पहले बहुत सारे व्यापारी आए जिन्होंने उनको देखा और वो साइड से चले गए। लेकिन जब वो किसान आया तो उसने अपने बोझ को उस पहले साइड में रखा, उसके बाद बहुत कोशिश करी, बहुत एफर्ट्स लगाए उसने और उसने फिर उस पत्थर को हटा दिया वहाँ से। और जब उसने हटाया तो उसको उसके नीचे एक पर्स मिला, उसमें बहुत सारा सोना रखा हुआ था। तो और उसमें एक नोट भी था राजा की तरफ से कि जो भी ये पत्थर को हटाएगा, ये जो इनाम है वो उसके लिए है। तो उसने तो कभी भी नहीं सोचा था ये करने के पहले कि मुझे इतना बड़ा इनाम मिल सकता है, पर उसने एक अच्छा कार्य किया तो उसको उसका फल मिला। उसी तरह से हम भी हमारे जीवन में जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका फल हो सकता है कि तुरंत ना मिले, लेकिन उसका फल जरूर मिलेगा। आपको ये विश्वास रखना है और आपको हमेशा जो आप जो अच्छे काम हैं वो करने हैं और जो मुसीबतें हैं उसको आपको नज़रअंदाज करके उसको फेस करना है और उसे घबराना नहीं है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे हम आज हमने आपको याद होगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद हम लोगों ने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बोलने सीखे थे कि बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जैसे कि प्लीज़ गिव मी समथिंग, आई वांट दिस, ये नॉर्मली आप इस तरह की चीज़ें बोलते हैं जो कॉमनली हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ईजी भी होती है। तो आई होप कि आपने कभी ये बोलने की कोशिश की होगी। आप अपने फ्रेंड से बोलिए, अपने सिस्टर से बोलिए, अपने ब्रदर से बोलिए, अपने पेरेंट्स को भी बोलिए, भले उनको अंग्रेजी ना भी आती हो तब भी बोलिए, वो समझ जाएंगे कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये बोल रहे हैं ना। उसके बाद हमने रूटीन के बारे में बताना सीखा था और मैंने आपको ये बताया था कि जो हम रूटीन जो चीज़ें होती हैं, जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं। फिर मैंने आपको उससे रिलेटेड आपको बताया था कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि आई गो, आई प्ले, आई स्टडी, आई रीड, आप का सिंपल आपका क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है और सब्जेक्ट के बाद आपका V1 या V5, बहुत लोग नहीं जानते हैं, V5 एक्चुअली में V5 इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है बट लोकली इसको यूज़ किया जाता है, इस टर्म को V5 मतलब कि वर्ब में S या ES लगाया जाता है। तो ये हम लगाते हैं जब हमारा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे कि ही, शी, इट या कोई नाम, राधा, मोहन, श्याम, असलम, जाकिर, कुछ भी कोई भी नाम होता है तब हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे V5 यानी कि वर्ब के साथ जो भी हमारा वर्ब रहता है, जैसे ही गोज टू स्कूल, ही वर्क्स, ही ईट्स, है ना। और जैसे आई के साथ तो था, तो क्या था, तो आई ईट, आई गो, आई रीड, आई राइट, आई प्ले, लेकिन ही, शी, इट है तो ही प्लेज, शी प्लेज, सीता ईट्स, सीता डांसेस, है ना। तो ये हम लोगों ने बात कर ली थी और नेगेटिव की हम बात कर चुके थे। तो नेगेटिव में आपको एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या होता है, वो डू या डज होता है, ठीक है। जैसे आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, आई ईट, शी डज नॉट ईट पिज़्ज़ा, ही डज नॉट ईट पिज़्ज़ा। तो ये सब बात हम लोगों ने करी थी और आज हम आगे बढ़ेंगे
मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपने बढ़िया से देखा होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। आज हम बात करेंगे एक और बहुत ही सिंपल से टेंस की। टेंस की मदद से हम बोल रहे हैं, लेकिन हम टेंस के रूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बस बेसिक उसकी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे लिए कुछ क्रिटिकल रास्ते या बाधाएँ नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम हमारे लिए आसानी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट की। हम बात कर चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। ये एक ऐसा टेंस है ना बेटा, कि जो बच्चे जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते हैं ना, वो भी अगर कभी इंग्लिश बोलते हैं तो वो इसी टेंस में वो बोल पाते हैं, है ना। जैसे कि आप उनसे चाहे जो भी पूछ रहे हो, तो वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि वो इसी टेंस में, जिसको नहीं आती है इंग्लिश, वो इस टेंस का बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। तो ये टेंस क्या है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि अब ये क्या चीज़ होती है, प्रेजेंट में जब भी आप कोई काम कर रहे हो, जो चल रहा है, जो कंटिन्यू है, तो आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है इसमें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब वर्ब होते हैं आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है, आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होता है। और जो सिंगुलर चीज़ें होती हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इज का इस्तेमाल। और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं आर का। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम, मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, ये काम चल रहा है, आई एम ईटिंग। और अगर ये मेरा भाई जो है वो खा रहा है, तो माई ब्रदर इज ईटिंग या ही is eating, ठीक है। अगर मेरी बहन खाना खा रही है, तो she is eating, she के साथ मैंने is लगाया। लेकिन हम सब अगर डिनर करने के लिए बैठे हैं, तो we are eating, plural है, हम लोग एक से अधिक हैं। you को भी हम plural consider करते हैं, तो you जब भी subject होगा, तब भी आप उसके साथ are का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यू आर ईटिंग, यू आर प्लेइंग। नॉर्मली हम स्पोकन इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, तो स्पोकन इंग्लिश में जब हम फोकस कर रहे हैं, तो हम अपने ही, हम तो खुद ही बात करेंगे ना, तो जब हम खुद बात करेंगे, तो हमें ज़्यादातर आई पे फोकस करना है, ठीक है। तो आई, आई के साथ क्या लगाना है? एम लगाना। आई के साथ क्या लगाना है? एम लगाना है। और अब जो भी आप काम कर रहे हैं, वो काम में आई एन जी लगा दीजिए, ठीक है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ओ आई एम प्लेइंग वीडियो गेम, आई एम प्लेइंग, अगर आप लड़के हैं तो आप पबजी खेलते हैं, फ्री फायर वगैरह खेलते हैं, है ना, तो आप बता देंगे आई एम प्लेइंग पबजी, है ना। और उस तरह से अगर आप कुछ खा रहे हैं, तो किसी ने आपको पूछा अरे क्या कर रहे हो, तो आप बता दो आई एम ईटिंग पिज्ज़ा, आई एम ईटिंग समोसा, आई एम ईटिंग बिरयानी, आई एम ईटिंग लंच, ठीक है, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फ्रूट्स, आई एम ईटिंग सैलड, आई एम ड्रिंकिंग जूस, कुछ भी हो सकता है, वो बहुत ईजी है। तो आई के साथ एम लगाना है, बहुत 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 ईजी है। तो आपको क्या बताना है? आई एम प्लेइंग, आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम डांसिंग, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, ठीक है। तो ये जब भी, कब आपको ये वाले सेंटेंसेस बोलने हैं? जब आप प्रेजेंट में ये काम कर रहे होंगे, तब बोलने हैं। अभी हम लोगों को कंटिन्यूसली ये नहीं है कि हम एकदम फर्राटे के साथ एकदम कंटिन्यूस हम बोल रहे हैं कि हमको कब किस टेंस की ज़रूरत पड़ जाएगी, हमें नहीं पता। हम धीरे धीरे करके, पहले हम दो दो सेंटेंस, चार चार सेंटेंस, पांच पांच सेंटेंस, दस दस सेंटेंस करके बोलने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब हम फ्लुएंट हो जाएंगे, हमारी थोड़ी सी आदत बन जाएगी, तब हम उसके बाद फुल फ्लैश बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की बात हम पहले कर चुके थे, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि एम लगाना है आपको अपने अपने साथ, आई के साथ, और वर्ब का जो आपका, हम इसको बोलते हैं वी फोर बोलते हैं, जहाँ पे हम आई एन जी वर्ब में जो मेन बेसिक वर्ब होता है, उसमें आई एन जी लगा लेते हैं। ये आपको बताता है कि ये प्रक्रिया जो है ये अभी चल रही है। आई एम वर्किंग इन द ऑफिस, कोई आपको पूछ ले कि क्या कर रहे हो भाई, कहाँ हो, बोलो आई एम वर्किंग इन द ऑफिस। कोई पूछे अरे कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग टू ऑफिस, भले वो हिंदी में आपसे बात कर रहा हो, आप अंग्रेजी में बात करिए। और नॉर्मली जब आप सीख जाएंगे, तब ये, वैसे तो ये अच्छे मैनर्स नहीं होते कि जो आपसे जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आपको उसी लैंग्वेज में बात करना चाहिए। बट यहाँ पे हमारा मकसद आपको देखना पड़ेगा, आपका मकसद है कि अंग्रेजी बोलना आपको आ जाए,
आपका दोस्त भी समझेगा, और नहीं समझे तो ना समझे कोई बात नहीं है, जब आप 1 महीने के बाद जब अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे तब फिर उसको समझा देना कि दोस्त तुम मेरे से हिंदी में बात करते थे, मैं तुमसे इंग्लिश में, दिखाने के लिए नहीं बोलता था, बस अपनी प्रैक्टिस के लिए बोलता था, है ना। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, आई एम स्विमिंग, ठीक है, आई एम थिंकिंग, कुछ बैठे हुए हो, सोच रहे हो, नहीं भी सोच रहे हो, कोई आपको पता है कि अभी आपका दोस्त आ रहा है तो पूछेगा ही कि क्या कर रहे हो, अरे यार क्या कर रहे हो, तब आप कुछ ना कुछ आपको बोलना है, तो आप इंग्लिश में आपको बोलना ही बोलना है। अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो बोलो ओ आई एम थिंकिंग समथिंग, मैं कुछ सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग समथिंग, तो वो थोड़ा सा तो हैरान होगा कि क्या सोच रहा है और ये इंग्लिश में क्यों बोल रहा है। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है बस, ठीक है, वॉट आर यू थिंकिंग, उसको आता होगा तो वो बोलेगा कि वॉट आर यू थिंकिंग, तो आप बोल सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, अबाउट स्टडीज, अबाउट कॉलेज, अबाउट स्कूल, अबाउट माई होमवर्क, है ना, अबाउट माई गेम, कुछ भी आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करें। आप सिंपल प्रेजेंट आपने अब सीख लिया है, आप जो करते हैं हमेशा, अब आप ये बोल पा रहे हैं कि मैं हमेशा जो करता हूँ, आई गो टू कॉलेज, आई वर्क इन द ऑफिस, आई वर्क इन द स्कूल, एंड आई टीच स्टूडेंट्स, आई लर्न इंग्लिश, आई स्टडी, I work, I play, I eat, I drink, I take bath every day, I go to sleep at this time. ये आप इस तरह के sentences अब बोल पा रहे हैं, और आप उसके साथ बोल रहे हैं I'm going to sleep. अब यहाँ पे अब जा रहे हो, जब कर रहे हो वो काम, तब आप बोल रहे हो oh, I'm going to sleep. I'm going to work. I have lot of work. मेरे पास बहुत सारा काम है. I have lot of work. आपके पास जो भी चीज़ है उसके लिए आप has और have का इस्तेमाल करते हो. I के साथ लेकिन have ही इस्तेमाल होता है, ठीक है. तो मैं ये आपको बता दूंगी आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे has लगेगा, कहाँ पे have लगेगा, वो चीज़ें हम बाद में बात कर लेंगे. अभी आपने बहुत ही सबसे ज़्यादा सिंपल जो टेंस है आपने वो सीखा, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आप जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं वो बताने के लिए कोई पूछ ले कहाँ जा रहे हो, वो आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू ट्यूशन क्लासेस, आई एम गोइंग फॉर स्पोकन क्लासेस, तो आप जहाँ पे भी जा रहे हैं आप वो बता सकते हैं, ठीक है. आपके अगर माता पिता का पूछ लिया कि मम्मी क्या कर रही है, तो आप बता दो माई मदर इज कुकिंग, वेयर इज योर फादर, माई फादर इज वर्किंग इन द ऑफिस, माई फादर इज वर्किंग इन द फील्ड, ओके. फिर वेयर इज योर ब्रदर, माई ब्रदर इज स्टडिंग इन द कॉलेज, ठीक है, या फिर माई सिस्टर इज डांसिंग इन द रूम. जो भी आपका जो काम चल रहा है वो हो जाएगा, वो आप इस तरह से बोल देंगे. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टेंस भी आपने आसानी से सीख लिया, बहुत इजी आपको लग रहा होगा, इजी तो है, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, तब फिर हमारा काम बनेगा. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको यूज़फुल लगी होगी, तो आप लोग इसको रेगुलरली प्लीज़ देखें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच. जो भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो मुझे प्लीज़ अपने कमेंट के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं. तब तक अपना ख्याल रखें और टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच.